हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज रोज आपको बता रहा है कि कैसे आपको कोरोना से जंग लड़नी है। देखिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको कोरोना की ताकत को समझना होगा कि ये वायरस कितना का ताकतवर है। कोरोना ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनकी सेहत थोड़ी कमजोर है। इसलिए बात बात पर हम एक ही बात पर जोर देते हैं, वो है आपके इम्यून सिस्टम पर। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो ये कि आपके रोगों से लड़ने की शक्ति ताकत को आप बढ़ाएं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए सुनिए इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ स्वाति माहेश्वरी क्या कह रही है। हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। हम लोग जो इतना सारा जंक फूड खाते हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं बहुत समय तक, ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम करें तो हमारा इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ में इस समय पर जिस तरह से, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कोरोना वायरस भी एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ऐसे में विटामिन सी फायदा करता है, यानी कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो भी इस तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आजकल इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी हैं जो कि हम ले सकते हैं, खास तौर से आंवला है, नींबू है, इस तरह संतरा है, जो इस तरह की चीजें, और सब्जियों में भी हमारा कैप्सिकम है, ब्रोकोलाई है, ये जो इस तरह के होते हैं फ्रूट्स वगैरह, इनमें और वेजिटेबल्स, इनमें विटामिन सी ज्यादा होता है। तो अगर हम इनका प्रयोग करें अपने खाने में तो इससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।